जिले यदि बोल सकती तो बार बार दोहराती, देश प्रेम के दीवानों की अमर कथाएं गाती। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। काला पानी काल कोठरी जेल जेल से नाता, सत्तावन से शुरू हुई जो बलिदानों की गाथा। सड़कों पर लाठी और गोली, जेलों में उत्पीड़न, झूल गए फांसी के फंदे हंस कर वो बलिदानी जन। मेरा रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे बसंती चोला, बोल सकती तो बार बार दोहराती। कलकत्ता, जहां पहले ईस्ट इंडिया कंपनी ने पैर जमाए और फिर अंग्रेजी हुकूमत ने, 6 दिसंबर 1904 भारत सरकार के होम सेक्रेटरी राइसले ने लॉर्ड कर्जन को लिखा, संयुक्त बंगाल बहुत बड़ी शक्ति है, इसे कमजोर करने और अपना शासन मजबूत करने के लिए हमें बंगाल को 2 टुकड़ों में बांटना होगा। 20 जुलाई 1905 लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन का फरमान जारी कर दिया। बंग भंग का जमकर विरोध हुआ। स्त्री पुरुष छात्र छात्राएं सड़कों पर निकल आए। वंदे मातरम उनका नारा था और रविंद्रनाथ टैगोर का गीत आमार शोनार बांग्ला उनका गान। गुरुदेव ठाकुर के आह्वान पर रक्षाबंधन का पर्व आपसी मिलन और अटूट एकता के रूप में मनाया गया। हिंदू और मुसलमानों ने एक दूसरे की राखी बांधी, आपस में गले मिले। ये था अंग्रेजों की नीति, फूट डालो और राज करो का करारा जवाब। इसके साथ ही शुरू हुआ विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार और स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग। स्वदेशी की लहर सारे देश में फैल गई। बंगाल में इस आंदोलन के नेता थे सुरेंद्रनाथ बनर्जी, बिपिन चंद्रपाल, अश्विनी कुमार दत्त और अरविंदो घोष। अंग्रेजी सरकार ने मजबूरन बंगाल विभाजन की गलती को महसूस किया। बारह दिसंबर 1910 को पंचम जॉर्ज के सम्मान में दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया। वहां 2 घोषणाएं की गईं। बंगाल विभाजन रद्द किया जाएगा और कलकत्ता के बजाय अब दिल्ली को देश की राजधानी बनाया जाएगा। अंततः 1911 में बंगाल विभाजन रद्द कर दिया गया। तब गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर ने रचना की जनगण मन की, जो आज आजाद भारत का राष्ट्रगीत है। नायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध। स्वदेशी आंदोलन के विरुद्ध सरकारी दमन चक्र की प्रतिक्रिया से ही आतंकवाद ने जन्म लिया।
धीरे धीरे स्वदेशी आंदोलन की ऊर्जा फीकी पड़ने लगी थी। कारण किसी प्रभावी संगठन का अभाव, कांग्रेस में आपसी मतभेद और सरकार का न रुकने वाला क्रूर दमन चक्र। 1907 बंगाल में क्रांतिकारी आतंकवाद की शुरुआत, लेफ्टिनेंट गवर्नर पर हमला मगर असफल। 1908 खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी द्वारा मुजफ्फरपुर के जज किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास। ये कलकत्ते का वो ही कुख्यात प्रेसिडेंसी मैजिस्ट्रेट था जिसने स्वराजियों को बहुत सख्त और अमानुषिक सजाएं दी थी। असफल होने पर चाकी ने स्वयं को गोली मार ली और खुदीराम बोस को फांसी दे दी गई। अलीपुर जेल यदि बोल सकती तो दोहराती देश प्रेम के उन दीवानों की कुर्बानी जो इसके भीतर कैद रहे। अलीपुर षड्यंत्र केस में 34 अभियुक्त थे, 15 को आजीवन कारावास की सजा हुई। उनमें बारिंद्र घोष, उल्हासकर दत्त, हेमचंद्र दास और उपेंद्र बैनर्जी जैसे व्यक्ति थे जिन्हें कुछ दिन यहाँ रखकर काला पानी भेज दिया गया। कन्हैयालाल दत्त और सत्येंद्र चाकी को फांसी की सजा सुनाई गई। उन्होंने अपने ही साथी नरेंद्र को केस का मुखबिर बन जाने पर गोली से उड़ा दिया था। ये अलीपुर जेल रजिस्टर का वो पन्ना है जिसमें ऐसे कैदी की तफसील दर्ज है जो स्वतंत्र भारत का पहला प्रधानमंत्री बना, जवाहरलाल नेहरू, पिता मोतीलाल नेहरू, रिहाइश आनंद भवन इलाहाबाद, लंबाई 5 फुट 6 इंच, रंग गोरा, दाएं कलाई पर तिल और दाएं हाथ पर ही ऊपर पैदाइशी निशान। वो कोठरी जहां जवाहरलाल नेहरू को 16 फरवरी 1934 से 2 साल के लिए कैद किया गया, पर 7 मई 1934 को देहरादून जेल भेज दिया गया। यहां बंद रहे चितरंजन दास, स्वराज पार्टी के लीडर, गांधी जी की अहिंसा नीति के प्रबल समर्थक, मजदूरों और किसानों को स्वराज आंदोलन में शामिल करने वाले नेता, स्वदेशी से जुड़े विधान चंद्र राय की कैद कोठरी, अनुशीलन गुट के नेता जतिन मोहन सेन गुप्ता यहां कैद रहे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस को इसी जेल में क्रांतिकारियों का पक्ष लेने के लिए इतना पीटा गया था कि वे बेहोश हो गए थे। सुभाष चंद्र बोस को अलीपुर जेल में 3 बार कैद रखा गया। 1921 में प्रिंस ऑफ वेल्स के खिलाफ प्रदर्शन के लिए, 1930 में नमक सत्याग्रह में भाग लेने के लिए, 1940 में देश छोड़ने से पहले कुछ अरसे के लिए। सुभाष चंद्र बोस 1938 में हरिपुरा और फिर 1939 में त्रिपुरी कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष बने। तब उन्होंने ललकार कर कहा था, अब कोई भी ताकत भारत को स्वतंत्र होने से नहीं रोक सकती। Is going to be free, and that we, police today, are going to play a part in making India free. There is no power on earth that can keep India enslaved anymore. Let us strive for India's freedom one day more. In 1943, में सुभाष बाबू ने आजाद हिंद फौज की स्थापना की। इस फौज में शामिल थे विश्व युद्ध में जापान द्वारा पकड़े गए भारतीय सैनिक। फौज का मिशन था भारत को आजाद कराना और नारा था दिल्ली चलो। मार्च करते तो गाते, कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की तो कौम पे लुटाए जा। कलकत्ता की प्रेसिडेंसी जेल, बाहर बना शहीद स्मारक याद दिलाता है अमर शहीदों की शहादत की। कन्हाई का शव लेने जब उनके बड़े भाई आशु बाबू और मोतीलाल राय जेल पहुंचे तो गोरे जेलर ने कहा, मैंने कन्हाई से पूछा, आज हंस रहे हो लेकिन कल मृत्यु की कालिमा से तुम्हारे होंठ काले पड़ जाएंगे। तब वो कुछ भी नहीं बोला।
अगले दिन फांसी के शिकंजे में जकड़े जाने से कुछ क्षण पूर्व कन्हाई ने मेरी बात का जवाब दिया। क्यों मिस्टर, इस समय में कैसा लग रहा हूं? मैं उसे देखकर दंग रह गया। उसके होठों पर कालिमा नहीं, अप्रतिम मुस्कान थी। मोतीलाल राय ने बाद में अपने आप से पूछते हुए लिखा, किस मिट्टी के बने थे वे लोग जो देश की आजादी के लिए हंसते हंसते कुर्बान हो गए। ब्रिटिश सरकार अरबिंदो घोष पर कोई अभियोग सिद्ध नहीं कर पाई, इसलिए एक वर्ष यहाँ रखने के बाद उन्हें छोड़ दिया गया। बाद में उन्होंने राजनीतिक संन्यास ले लिया और पांडिचेरी में आध्यात्म साधना में लग गए। प्रेसिडेंसी जेल की ये टूटी फूटी इमारत और उसका पुराना रिकॉर्ड चरबराते ब्रिटिश साम्राज्य और उसके पुख्ता नींव को हिलाने वाले जाबाजों की कहानी कह रहे हैं। यहाँ कैदी रह चुके भूपेंद्र नाथ दत्त, भाई परमानंद, मौलाना अबुल कलाम आजाद, शौकत उस्मानी और शहीद गोपी मोहन साहा को क्या भुलाया जा सकता है? एक नहीं, दो नहीं, न जाने कितने जाने अनजाने लोग स्वतंत्रता के संग्राम में कूद पड़े थे। कैसे, किस तरह? अलीपुर और फिर कालापानी में रह चुके बंगेश्वर राय की जुबानी। मेरा उम्र जब 12 था, वही टाइम का 2-3 साल पहले ढाका में एक तो फाइट हुआ रेवोल्यूशन के साथ में, उसको बोलते हैं कलता बाजार फाइट। इन दैट फाइट टू एब्सकॉन्डर्स, वन वाज नन्नी बागची एंड दर वाज तारिणी मजुमदार, वो लोग अनुशूलन पार्टी में बिलोंग किया था। वो लोग दे आर वांटेड एंड दे आर गेट आउट एंड देर वाज डायरेक्ट फाइट एंड इन दैट फाइट बोथ ऑफ देम जस्ट किल्ड, दैट इज दे ऑफर्ड देयर लाइफ एंड दे बिकेम मार्टर्स। ये जो स्टोरी है, ये स्टोरी मेरा पास 2 साल बाद हम ये स्टोरी सुन के हमारा बहुत कुछ इंस्पिरेशन हुआ, जे इंग्रेज का विरोध में लड़ाई करके जो दो मार्टर्स जीवन दिया, ऐसा जीवन देना चाहिए क्योंकि हमारा देश हमको ही करने होगा, हमको मुक्त करने होगा ये ब्रिटिश राज से, तो हमको भी ऐसा ढंग से चलने होगा। दमदम जेल 1924 में जो कैदी यहाँ रहे उनमें प्रमुख हैं कानपुर बोल्शेविक कॉन्स्पिरेसी केस के शौकत उस्मानी, मेरठ कम्युनिस्ट कॉन्स्पिरेसी के मुजफ्फर अहमद और कम्युनिस्ट गतिविधियों के लिए ज्योति बसु। भारत के क्रांतिकारी इतिहास में चटगांव शस्त्रागार कांड का विशेष महत्व है। 18 अप्रैल 1930 को सूर्यसेन के नेतृत्व में चटगांव के करीब 70 नौजवानों ने मिलकर पुलिस लाइन, टेलीफोन एक्सचेंज, एफआई हेडक्वार्टर्स पर एक साथ धावा बोल दिया, सारे हथियार अपने कब्जे में ले लिए। पकड़े जाने पर क्या गुजरी, आप बीती सुना रहे हैं सुनील दास गुप्ता। लोहे की सलाखों से बड़ी बेरहमी से मुझे पीटा गया। उसके बाद हाथ की उंगलियों के पोरों में नाखूनों को छेदा गया। फिर मुझे बार बार एक हौज में डुबोया गया। मेरा दम घुटने लगा, सांस रुकने लगी। बेरहम अंग्रेज अफसर ने सोचा मैं मर गया। तब मुझे हौज से बाहर निकाल लिया गया, जमीन पर लेटा दिया गया। मैं अभी जिंदा था। ये देखकर एक घंटे बाद
दो आदमी मेरे दोनों हाथों पर और दो मेरे दोनों पैरों पर खड़े हो गए। एक बांस को बीच में से चीर कर तेज धार वाले हिस्से से मेरे सारे शरीर को रेता गया, इतनी बेरहमी से कि मेरी खाल उतर गई, मैं बेहोश हो गया, मेरे शरीर से खून बहने लगा। लेकिन मुझे फक्र है इस पर भी, मेरे साथियों के बारे में वे मुझसे कुछ भी न जान पाए। मिदनापुर जेल। राजद्रोह के अभियोग में गोपेंद्र चक्रवर्ती को 1917 में यहाँ बद्दी बनाया गया। इसी जेल में कैद रही चटगांव शस्त्रागार कांड में उम्र कैद की सजा पाने वाली 19 साल की कल्पना दत्त 1937 में, जब प्रांतीय स्वशासन लागू हुआ, तो गांधी जी, रविंद्रनाथ ठाकुर और सीएफ एंड्रयूज के विशेष प्रयत्नों से मई 1939 को कल्पना रिहा कर दी गई। किशोर प्रद्योत कुमार भट्टाचार्य को मिदनापुर के मैजिस्ट्रेट की हत्या के अभियोग में यहां फांसी दे दी गई। कल्पना दत्त विवाहोपरांत कल्पना जोशी को रिकॉर्ड करने हमारी टीम कलकत्ता पहुंची तो वे बहुत बीमार थी। अब वो हमारे बीच नहीं है, मगर जो बात उन्होंने कही वो तो है। I don't think that the contribution in all these things are there. It is our duty to do all these things for the country. दमदम जेल में बंदी रहे एम लाहिरी, तब वे स्कूल के छात्र थे। हमें दूसरी जेल से दमदम जेल ले जाया गया। एक दिन जब शाम के समय हम सबको लॉकअप में बंद कर दिया गया, तो हमने खिड़की से देखा, सेल नंबर 12 का दरवाजा खोला गया, उसका कैदी बाहर आया और संतरी उसे जेल के बाहर फाटक तक ले गए। तब उस कैदी ने चिल्लाकर कहा, यह जेल फांसी के लायक नहीं है, मैं बरिशाल जेल जा रहा हूं। A perfect gallows. I am being taken to Borishal jail. So he was taken out to Borishal jail, and after when we went to. फिर एक दिन हमने अखबार में पढ़ा, मनोरंजन भट्टाचार्य को बरिशाल जेल में फांसी लगा दी गई। अंतिम क्षणों में उनके होठों पर रविन्द्रनाथ ठाकुर का गीत था, यदि तो डाक सुने क्यों ना आशे तबे एकला चलो। असहयोग आंदोलन पूरे देश में फैल चुका था, उत्तर पूर्व भी इससे अछूता नहीं रहा। असम में चाय बागान के मजदूरों ने लंबी हड़ताल की, मजदूरों पर गोली चली तो स्टीमर पर काम करने वाले मजदूर भी हड़ताल पर चले गए। गोपुर की ही एक और घटना है, 5,000 लोगों की भीड़ ने पुलिस स्टेशन घेर लिया। तिरंगा फहराने के लिए 14 साल की कनक लता आगे बढ़ी, गोली चली, झंडा गिरने से पहले मुकुंद काबता ने उसे थाम लिया, उन्हें भी गोली लगी। एक के बाद एक 60 व्यक्ति शहीद हुए, मगर हिम्मत नहीं हारे और झंडा फहरा कर ही रहे। बाद में असम की जेलों में उन्होंने सजाएं काटी। असम स्वतंत्रता सेनानी संघ के अध्यक्ष रबीन काकती के शब्दों में,
আমি প্রায় 500 মান পলিটিক্যাল প্রিজনার হৈ যাও 1942 মে আর 500 মুখ্যমন্ত্রী গোপীনাথ বারদলাই গোপীনাথ বারদলাই অধিকারী সবই জোরহাট জেল মে কয়েদ কর দিয়ে রাষ্ট্রপতি ফকরনে আলী আহমদ করি সকল বিলা হৈ যাল রাসিল 1942 সনের 24 ফেব্রুয়ারি मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है 24 फरवरी 1943 की बात है। दोपहर के भोजन का समय था, सभी कैदी बाहर खुले में भोजन कर रहे थे। यकाएक चेतावनी देने वाली पगला घंटी बज उठी, धनाधन बैरकों से निकलकर पुलिस बाहर आ गई। बिना कुछ सोचे समझे कैदियों को बुरी तरह से पीटने लगे। वार्ड बिलाकर पॉलिटिकल प्रिजनर वार्ड बिलाकर मारिले मारे बहुत और मुड़ भागिले भांगिसिल हाथ भागिसिल भोड़ी भागिसिल और ऐन सारे फखरुद्दीन साहब को फखरुद्दीन अली अहमद को भी चोटें आई। ऐसा नशंस दृश्य मैंने पहले कभी नहीं देखा। में ही यहीं जोरहाट जेल में कुशाल को फांसी दी गई। एक और स्वतंत्रता सेनानी लक्ष्मी प्रसाद गोस्वामी देश प्रेम की गाथा सुनाते हुए कहते हैं, वन ऑफ माय क्लासमेट, ही वाज माय क्लासमेट इन स्कूल, ही बिकेम पुलिस ऑफिसर एंड ही वाज सेट बाय गवर्नमेंट। ब्रिटिश सरकार ने मेरे ही एक सहपाठी को मुझे पकड़ने के लिए भेजा। क्रोध में आकर मुक्ति वाहिनी ने उसे मार डाला। And his wife was in her parents' home. I went. दोस्ती के नाते मैं उसकी पत्नी को सांत्वना देने पहुंचा। He was killed by people. उसकी पत्नी बाहर आई और मुझसे बोली, आप क्यों अफसोस करते हैं? मेरे पति आजादी के जन आंदोलन के खिलाफ थे, ये तो होना ही था। उनकी मौत पर मुझे कतई अफसोस नहीं है। फिर भी आप आए, इसका शुक्रिया। ये थे एक विधवा हुई पत्नी के उद्गार। शचिंद्र सान्याल को जब कालापानी भेज दिया गया तो उनके पूर्वजों का मकान जब्त कर लिया गया। उनकी माँ बच्चों के साथ रिश्तेदारों की शरण में थी, किंतु शचिंद्र का मनोबल बनाए रखने के लिए उन्हें पत्र में यही लिखती रही, माँ से बड़ी है मातृभूमि, उसके लिए किया गया कोई भी बलिदान कम है, प्राणों का उत्सर्ग भी कम, सर्वस्व समर्पण भी कम। इतिहास के दौर में ऐसी वीरांगनाओं और ऐसे वीर सपूतों के उदाहरण कम ही मिलेंगे। आजादी के मंदिर इन जेलों में आज भी गूंज रहे हैं जय हिंद और वंदे मातरम के स्वर।